कि मुझे बताइए सबसे बड़ा साधक कौन है। अब कोई साधक नहीं है, साधक तो पहले थे हाँ, लेकिन आपके वो जो माला वगैरह वो कर देगी आपको, व्यवस्था करने वाले लोग आज भी है, लेकिन अब साधक तो कोई है ही नहीं आप, यहाँ कोई साधक नहीं, पंडित मिल जाएंगे आपको जो आपके पाठ करते रहेंगे, ये साधक तो यहाँ नहीं है आपसे कामाख्या में मिल जाएंगे, वो अपने लिंगम नहीं है एक, आप दतिया के नाम से कहीं भी चले चेंज कर ली साधक तो होने को हो सकता है, वृंदावासी में कुछ हो तो वो आपके नजदीक है, आप देख सकते हैं जाके साधक नहीं है, साधक तो यहाँ भी नहीं, इतना जरूर है लेकिन आपको भी दो लोगों से मिलवा देंगे जो है कि रस्ते साधना में रहते हैं, और उनसे आप सब लोग भी नहीं पाते माता के दर्शन क्यों करते हैं, आज भी बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, ये कंपनियाँ क्या होता है एक दिखावटी लकीर खींच दी जाती है लोगों के, कई ब्राह्मणों के धंधे चल गए जी हो आ जाए शनिवार पाँच शनिवार लगती है, हालांकि बाइक यहाँ आने में अगर पाँच बार हो दो बार एक बार हो तो हमेशा लाभ तो हमेशा ही होता है, ऐसा कुछ है कि नहीं बच्चे बता रहे बैठ के अपने भजन भी कर सकते हैं हॉल में बैठ के, आप शनिवार का दिन तो आप मैं दतिया का शनिवार को जाएगा मुझसे 2% तो कुछ आते नहीं, क्योंकि शनिवार से लोगों बाहर के लिए छोड़ दो आप, तो संडे को करो सोमवार को करो पूरी फ्री रहते हैं खाली रहते हैं, जब भी तो भजन होता है आप फिर में थोड़ी फील के दर्शन करने में क्या फायदा बताओ, वो तो मेला ढीला हो गया आपके यहाँ जिला में कुंभ होता है तो ज़्यादातर मैं नलों पर